हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपका अपना भाई यश चौधरी दिल्ली का कड़क लौंडा एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, जिसका आपको सभी को बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, ये प्रैंक है रेड सेवन के ऊपर पार्ट फोर। तो इसमें मेरा साथ दिया है एरिक ने, तुषार ने, बीच में इस वीडियोस में मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो वहाँ पर मेरा साथ दिया है तुषार और एरिक ने। तो क्योंकि प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ी सी कैमरे के लिए, तो मैंने सोचा क्या किया जाए। तो थैंक यू सो मच तुषार और एरिक को। तो आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मिलते हैं वीडियो के बाद में। तो इसमें रिट्स की बहुत अच्छी बैंड बजेगी, देखते हैं अंदर क्या फीलिंग्स है क्या नहीं, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग पूरी वीडियो को एंजॉय करना, मैं उसको एक बार फोन कर लेता हूँ। यार ये फोन नहीं उठाती एक बारी में तो। हेलो, हाँ बोलो, कहाँ हो? मैं आ गया हूँ यार। आ गए हो? मेरी बात पहली बार? नहीं यार, कुछ जरूरी बात है ना, एक बार आना पार्क में आ जाओ, वहीं बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा वही हो क्या? ठीक है, आ रही हूँ। देर मत करना प्लीज यार। नहीं नहीं अभी आई। तो ये आने वाली है, लेट्स सी क्या सीन होता है यहाँ पे। चलो एंजॉय करना दोस्तों, आप लोग मिलते हैं वीडियो के बाद में। कैसे हो? हाय यार, हमेशा हग करते हो, क्या हो गया? चलो खड़े हो। अरे नहीं कैसे हो? बढ़िया बिंदास, बैठो ना। कैसे आ गए? शूट नहीं करना क्या आज? नहीं नहीं, शूट का मूड नहीं है यार। क्यों? ऐसे ही। अच्छा, कभी कभी मूड नहीं भी होता। हाँ कभी कभी खुद को। ऐसे तो कभी नहीं आते तुम ट्रैक सूट में। क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? बहुत बुरे लग रहे। कोई बात नहीं यार, बुरा ही सही। क्या हो गया, टेंशन में लग रहे हो? ऐसे ही। कांग्रेचुलेशन वैसे। किस लिए? तुम्हें, जो तुम चाहती थी रेस में दौड़ रही थी ना, तो उस रेस में आगे निकल चुकी हो। बिल्कुल, रेस तो जीत चुकी हो यार। चलो बहुत अच्छा लगा यार मुझे भी, I'm so happy about you. शुक्रिया। पार्टी कब दे रही हो? जब तुम चाहो, बताओ कब चाहिए। क्या बोलूं अब मैं? क्या बोलोगे तुम, बोलो क्या बोलोगे? मैं तुमसे पार्टी ले नहीं पाऊंगा। क्यों? क्यों मतलब मन तो बहुत है, मैं ले नहीं पाऊंगा पार्टी को। क्यों नहीं ले पाओगे पार्टी? यार मैं ना, अभी मेरी फ्लाइट है शाम की, तो मैं मुंबई निकल रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, शूट के लिए जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वहीं पे सेटल होने के लिए। कुछ भी बकवास। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जब तक तुम इस रेस में जीतोगे। यश चौधरी की बकचोदी कभी खत्म नहीं होगी मतलब। नहीं नहीं सच में, तभी थोड़ा अपसेट होना, इसीलिए मन तो नहीं है मेरा तुम्हें छोड़ के जाने का, लेकिन अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका है कि मुझे ना जाना पड़ेगा। और अरे जा कर रही हो, वही तो मुंबई जाऊंगा, वहीं पे अपना बात हो गई है रहने की और शूट शाट के। चैनल तो चलता रहेगा, वहीं पे शूटिंग वगैरह हुआ करेगी, लेकिन जो तुम्हारा ड्रीम था वो पूरा हो गया ना, तो तुषार का ये बता पहले। हां तुषार का ये बता, तुषार अभी आ जाएगा, इसीलिए तो मैं यही बोल रहा हूँ, जाना जरूरी है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, देखो जितने दिनों के लिए जा रहे हो? देखो दिनों के लिए नहीं है, मेरा परमानेंटली वहाँ पे मुझे सेटल होना है। मेरा ड्रीम था कि जब मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख क्रॉस हो जाएंगे तो मैं मुंबई जाके सेट हो जाऊँगा। अच्छा, तुम्हारे ड्रीम का मेरे को पता ही नहीं था मतलब। मतलब वो अपने अंदर होता है ना, एक ले रखा था मैंने खुद से, बट अंदर ये भी सोचा था कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा देता रहूँगा। तो लेकिन जिस स्टेज पर आज तुम पहुँची हो, मैंने सोचा था कि स्टेज ऐसी है कि इसके बाद ना इसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम मुझे पता है बहुत मोटिवेट होकर काम करती हो। हाँ तो यार, तुम मोटिवेट करते हो तो मोटिवेशन तो मिलता ही है ना। हाँ, अब तुम वहाँ पे जाने की बात कर रहे हो तो ऐसे कैसे काम चले? फिर तुम दिया हुआ चैलेंज तो तुमने अपने आप को दिया था, वो भी तुम पूरा कर चुकी हो, सब्सक्राइबर वाला है ना। यार क्रॉस वाला। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसीलिए तुम सच में जा रहे हो क्या? हाँ हाँ, तभी मैं थोड़ा सा अपसेट। पागल हो पागल हो क्या? अबे नहीं यार, हो सकता है पार्ट 4 के तैयारी। प्रैंक करता तो सुनो सुनो, उस टाइम से मैं क्यों किलसा पड़ा होता? पार्ट 2 बना यश चौधरी का। नहीं नहीं, मैं क्यों किलसता? अगर मैं प्रैंक के लिए आता तो तैयार होके आता ना आराम से। हाँ वही मैं बोलूं, तुम ऐसे कभी आते भी नहीं हो, इसीलिए रिलैक्स तो करा लो। कोई नहीं यार, हम लौंडे हैं यार, हम ऐसे ही सही है झाड़ियों वाले, कभी कभी झाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। चलो सही बताओ फिर। हाँ सच में मेरे को जाना है। कब जा रहे हो? शाम को निकल जाऊंगा मैं, टिकट्स भी आ चुकी हैं यार। दिखा दो जरा। झूठ क्यों बोलूंगा? फेक स्क्रीनशॉट ले रखे हैं क्या कहीं के? नहीं यार, हो चुका है। आज की फ्लाइट है? शाम की है, 7 बजे की। मजाक नहीं है, बस ये भी सरप्राइज था। यही पे रह के करो ना यार।
नहीं यार, अब होता नहीं है ना, मैं देखो ड्रीम था वो, तो बस जब भी तुम्हें अपसेट हो कि मुझे मजा नहीं आएगा, लेकिन जो फीलिंग्स है वो अपने संभाल के रखना, मैं तो रखूंगा यार, बोल मत जाना मुझे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। नहीं तुम नहीं जा रहे। नहीं यार सच में मैंने मतलब अपने आप से लिया हुआ होता है ना एक प्रॉमिस, तो मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, तुम्हें पता है बड़े उसूल है। प्यार है फिर मतलब प्यार से दूर कैसे चले जाता है इंसान। तो यार मुझे है तुम्हें थोड़ी ना है, मुझे है हमेशा रहेगा, तभी तो मैं अब थोड़ा मुझे हो फिर। नहीं है ना यार ऐसा, आई नो यार मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का पता है, इसलिए तुम्हें नहीं होगा। नहीं होगा, तुम अपने सपनों से प्यार करती हो, मुझसे थोड़ी ना करोगी, लेकिन मैं अपनों से और अपने सपनों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने सोचा एक बार मिल के चला जाऊँ। मेरा बैग वैग सब पैक है यार, कंफर्ट फील होगा तभी तो ट्रैक सूट में आया हूँ। मैं नहाया भी नहीं हुआ यार, मैं वहीं पे जाके नहाऊंगा, बस ब्रश करके निकल आया था। मैंने सोचा कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ, होता है ना कि जो सबसे ज़्यादा करीब है थोड़ा उसके साथ वक्त गुजार लेना चाहिए। वेल अच्छा था। और एक चीज़ और, तुम पे प्रैंक्स नहीं हुआ करेंगे, प्रैंक ऑन रेड 7 नहीं हुआ करेंगे, वीडियो कॉल्स पे बातें होती रहेंगी, कुछ भी हो कंटेंट सब चीज़ मुझसे पूछते रहना, मैं तुम्हें बताता रहूँगा, सपोर्ट करता रहूँगा, टैक्स वगैरह जो भी तुम पूछोगे मैं सारे सपोर्ट्स करता रहूँगा। बस पता है क्या चीज़ नहीं होगी, चाय पीना नहीं होगा, ये नहीं होगा, बिरयानी नहीं होगी साथ में, और बाल नहीं खींच पाओगी तुम मेरे, तुम मुझे मार भी नहीं पाओगी। इमोशनल मत करो यार, मत जाओ ना, पागल हो के यही पे करेंगे ना सीपी शूट, कितना मजा। नहीं नहीं यार मेरा ड्रीम था ना, इसलिए कभी कभी होता है ना अपनी 190 मतलब क्या कहते हैं अपनी 100% अचीवमेंट के लिए ना इंसान को उन चीज़ों से दूर जाना पड़ता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। तो मेरे लिए समझ लो कि तुम थे जिससे मैं दूर जा रहा हूँ, दूर नहीं पास पता नहीं, बट एक होता है ना आगे निकलना पड़ता है। मैं शुरू से ही चाहता था, मेरी ड्रीम जो थी ना वो यही थी कि मैं मुंबई जाऊँ यार, एक बार काम करना है वहाँ पे, सब कुछ सेट हो चुका है, इसलिए तो वापसी नहीं हो सकता कुछ भी। और ये मैं सोचना कि मैं बीच में साथ छोड़ के जा रहा हूँ, बहुत कुछ है अब तुम्हारे पास ना, अब ये है कि कोई तुम्हारे लिए है नहीं, समझ रहे हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अब अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल पे हो। नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कहते हैं ना बच्चा बड़ा हो गया है, तो अब ये बच्चा बड़ा हो गया है। सो ऑल द बेस्ट, मैं बस यही कहना चाहूँगा, जरूरी है बहुत ज़्यादा, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। देखो तुम्हारा भी सपना था ना रेस जीतने का, खुद से किए हुए प्रॉमिस कभी तुमने नहीं, भी नहीं तोड़े। 1 मिलियन तक जाना है ना, तो जरूर जाओगे यार, मैं हेल्प करता रहूँगा, तुम मुंबई आती रहना ना। मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, ये देखो सब तुम्हें पता ना, डबल फेसेस लोग हैं यार दुनिया में, तुम्हें इतना सब कुछ सीखा है और सिखाया है तुमने मुझे भी, और मुझसे तुमने सीखा है, तो उन चीज़ों को अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कोई तुम्हारा बेवकूफ़ बना सकता है। अब तुम अपने आप में एक दूसरी यश चौधरी बन चुकी हो। इसलिए मत जाओ। समझ रहे हो ना, मन जाओ, पागल हो गया, मजाक नहीं कर रहा मैं, समझा करो यार, बाल खींचने तो तुम खींच सकते हो आखिरी बार, मेरे आखिरी बार नहीं खींचूंगी, रोज खींचूंगी, चुप रहो, नहीं जा रहे तुम। नहीं नहीं देखो तुम अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटी ना, तुम मुझे भी मत रोको, मेरा करियर वगैरह सब कुछ इसी में है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मुझसे बोलो लव यू टू वगैरह, तुम हो सब कुछ, तभी तो तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ। मैं भी मिस करूँगा यार तुम्हें बहुत ज़्यादा, जितनी तुम्हें होगी तकलीफ उतनी मुझे होगी यार, मुझे तो ज़्यादा ही होगी ना, बिकॉज आई लव यू, मैं तो बस तुम्हारा सिर्फ दोस्त ही हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। मुंह मत देखो मेरा, सच बता रहा हूँ। वेल मैं बस इसीलिए मिलना चाहता था। अच्छा तुम्हें बुरा ना लगे तो एक चीज़ और बोलूँ, मैं चाय ले आऊँ, थोड़ी बहुत चाय भी पी लेंगे यार आखिरी बार साथ में, ले आओ पक्का। लेकिन ये ध्यान रखियो कि कोई झूठ नहीं है ना, थोड़ी तकलीफ होगी यार, मुझे भी हो रही है तुम्हें भी हो रही है, मैंने कंट्रोल किया हुआ है अपने ऊपर। तो कल सारी रात में इसी चीज़ को सोच के बहुत अजीब सा एक दो आंसू भी आए आँखों में, लेकिन जाना तो जाना ही होता है ना यार, बट जो दिल में है वो। चलो मैं लेके आता हूँ, है ना, ठीक है, आ रहा हूँ मैं, यही रही हो और अपसेट में तो यही हो, समझ रहे हो।
हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी रो क्यों रही है? वो जब जा रहे हो तो रोना तो आएगा ही ना। पागल हो क्या? कौन रोता है ऐसे? ये कब फेंकना मत और इसे ख़त्म आराम से करना, टाइम बहुत कम है। कुछ अच्छा सा मैसेज मेरे को देना चाहो तो दे सकती हो। मैं तुमसे आज यूँ भी नहीं कहूँगा कि मुझे लव यू टू वगैरह बोलो या मुझे एक्सेप्ट करो या कुछ करो। कोई मैसेज देना चाहो तो दे सकती हो जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। तुम नहीं देती सारे मैसेज मुझे, मैं क्या दूँ? सिप मारते रहो, अच्छी लग रही हो पीते हुए। नहीं पीनी मुझे यार, मुझे नहीं पीनी। मैं भी नहीं पी रहा। तुमने क्यों रख दी? बात करेंगे ना। अच्छा था ना वैसे सब कुछ 2019? यार हर किसी के अपने अपने रेजोल्यूशन होते हैं ना, तो मेरा भी था। कुछ कहना चाहते हो? सो मैं निकलूँ यार, थोड़ा लेट भी हो रहा हूँ, है ना? No. हग नहीं करोगे? चल मैं भी निकलता हूँ, है ना? मुंह तो दिखा दो, पूरा मुंह देख लूंगा ना। दी कहाँ पर थे? फ़ोन क्यों नहीं उठाए थे? काफ़ी देर से फ़ोन करे जा रहा हूँ मैं आपको। अरे वही यश से बात कर रही थी ना यार, वही मुंबई चला गया। क्यों? बोल रहा था मेरा सपना है 500 के हो जाएगी, 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाएगी। हाँ उन्होंने तो बोला था वैसे 500 के पे जाऊँगी मैं। भाई उसने मुझे ये चीज़ पहले नहीं बताई। तो आपको जब था तो आपको पहले हाँ कर देना चाहिए था ना, आप रुलाते भी तो काफ़ी थे उसे। यार वो भी तो रुलाता था ना मुझे, प्रैंक ऑन रेड 7 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वो भी तो रुलाता था मुझे, वो किसी ने नहीं देखा। तो शूट करना ही नहीं करना? नहीं यार बात ये है एरिक, मैं भी बहुत मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। वैसे भी अपना चैनल डाउन चल रहा है। पता है मेरे को सारी बातें यार, बट मैं नहीं कर पाऊंगी यार, सॉरी। जी क्या हो गया आजकल? काम नहीं हो पाएगा यार, काम लगा है मुझे ना। क्यों? हिम्मत से खत्म हो गया भाई, अब नहीं हो पाएगा लग रहा है। क्यों नहीं हो पाएगा?
यार एक बात बता, तुझे उसने कुछ शेयर नहीं किया कि अब तो उसने बंदी बंदी बना लियो तभी वो मुंबई शिफ्ट हो गया? एक दिए एक आप उनकी गर्लफ्रेंड हो ना? हो यार गर्लफ्रेंड नहीं हो लेकिन दोस्त तो बहुत अच्छी थी ना यार। ऐसे सला ऐसे कौन बदल जाता है यार? दो दिन नहीं हुए गए और दो दिन में बंदे ने अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर दिया, इतना कौन बदल जाता है यार? अनएक्सपेक्टेड था यार यश से तो ये, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था वो ऐसे करेगा। देख अभी भी फ़ोन करूँगी ना अभी बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा मेरे, जब से गया ना बंदे ने एक बार मेरा फ़ोन पिक नहीं किया, एक बार सिंगल वन टाइम भी नहीं हो पाएगा यार मुझसे। पिछली वाली वीडियोस जो एक दो पड़ी है वो डाल दियो यार, मेरे को टाइम लगेगा मुझे लगता है ना ठीक होने में, आदत सी हो जाती है ना एक इंसान की। चलो कोई बात नहीं, फिर आप ठीक हो जाओ फिर करते काम। मिस कर रहे हो उसे बहुत, समझ सकता हूँ मैं आपकी फीलिंग। अनएक्सपेक्टेड बट उसने बहुत गलत किया मेरा दिल दुखा के, क्योंकि मैंने आज तक किसी का कभी दिल नहीं दुखाया यार, और उसने एक सच्चे इंसान का बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया। ठीक है छोड़, करते हैं काम यार, करेंगे यार, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली भी देखनी है यार। बहुत लोगों को मुझसे उम्मीदें हैं, तुझे तेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है, मम्मी पापा है यार, घर पे पैसे भेजने हैं, भाई बेचारा मुझे फ़ोन करके बोलता है दीदी पेटीएम कर दो थोड़े बहुत पैसे, ये वो, काम ही नहीं होगा तो मैं उनकी कैसे उम्मीदों पर खड़ी उतरूँगी यार। कितने लोगों ने गिराया है मुझे, तुझे तो पता ही है ना। हाँ ये तो है, करेंगे भाई काम पक्का करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे यार रिकवरी में, आदत हो जाती है ना एक इंसान की बहुत ज़्यादा, हैबिट हो गई होगी शायद आपको उनकी। हाँ बट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। चलो फिर ठीक है, बट कोशिश करना है जल्दी रिकवरी हो जाए। हाँ यार जिंदगी ख़त्म हो गई है ऐसे लग रहा है, थोड़े दिन की खुशियाँ दी भगवान ने और फिर एकदम सब छीन लिया। खैर तू दिल छोटा मत कर, तेरी बहन काम करेगी बट थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे सब सही करने में। चलो फिर ठीक है, ठीक है बाय बाय। तो दोस्तों बहुत परेशान कर लिया है रिट्स को, मुंबई से जाके हम लोग वापसी भी आ चुके हैं, काफ़ी अच्छा रहा, मज़ा आया वहाँ पे, एक दो शूट्स भी हुए हैं, देखते हैं कब अपलोड होंगी वीडियोज़ या कब नहीं। तो मैंने रिट्स को बताया नहीं है कि मैं यहाँ पर आया था, तो चलो एक बार उसको फ़ोन कर लेता हूँ अब, और थोड़ा मज़ा लिया जाए, सरप्राइज़ दिया जाए यार उसको, देखते हैं उसकी मेरे पीछे क्या हालात थे। ये क्लिप्स मुझे मिली नहीं है, वो मुझे तुषार और एरिक दोनों मिलकर क्लिप दे देंगे, ये देखते हैं हम क्या होने वाला है। जो भी सच्ची फीलिंग होंगी ना वो उसके फेस पे पक्का आ गई होंगी, अगर उन्होंने अच्छे से शूट कराया होगा तो सच में। कब भी फोन नहीं उठाती, मुझे उम्मीद थी कि देखते ही उठा लेगी। हेलो हेलो, हाँ कैसे हो? ठीक हूँ यार, याद आ रही है मुझे बहुत। याद आ रही है तभी छोड़ के गए हो? नहीं यार तुम्हें तो पता है ना बहुत जरूरी था जाना और काम सपना, बताया होगा तुम्हें एरिक ने भी। यार मेरे पास एरिक का फोन आया था, मुझे बता रहा था कि तुम्हारे शूट वगैरह नहीं हो रहे हैं, कर नहीं रही हो तुम, काम पे ध्यान नहीं है तुम्हारा। हाँ, वो नहीं हो पा रहा, फोकस नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। क्या चीज है, प्रॉब्लम क्या है? तुम यहाँ नहीं हो ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है तो यार मैं तो तुम्हारी वीडियोस में होता भी नहीं था, तो इस चीज से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, मैंने यही तो समझाया था तुम्हें कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए काम पे। तो मैंने बोला था ना तुम यहाँ रहते हो तो मैं मोटिवेट रहती हूँ, वरना नहीं हो पाता मुझसे यार। पुरानी पुरानी वीडियोस डाल रही हो जो पड़ी हुई है पहले की। हाँ वही चल रहा है काम, ठीक है जो है। बता रहा था कल तुम इंट्रो शूट करते करते रो पड़ी थी। हाँ वो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। तो बोलती क्यों नहीं हो लव में? यहाँ खामोश क्यों हो गई? क्या बोलूं? अच्छा एक बात बताऊं, मैं आ गया हूँ।
कहाँ पे? दिल्ली। सच में? हाँ। कहाँ हो? बता दूँ सच में? हाँ सच बताओ, कहाँ हो? सच बताओ, जल्दी बताओ। सेम उसी जगह पे हूँ जहाँ तुम्हें छोड़ के गया था, जब मुंबई गया था ना उसी पार्क में बैठा हुआ हूँ। आ रहा हूँ। जल्दी आओ फटाफट। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया, अभी आ रही हूँ मैं। फटाफट आओ, फटाफट। आई। तो लड़की आने वाली है, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। लेट्स सी, मारेगी या क्या करेगी कुछ भी नहीं पता। आजा यार, ये बहुत वेट करवाती है। कितनी दूर? बहुत अच्छा। शर्म तो नहीं आती ना? टाइम मिल गया तुम्हें, फुर्सत मिल गई। हाँ, कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। क्या हो रहा? मन नहीं लग रहा। क्यों? ऐसे तुम चले गए तो अब यही रहोगे ना? नहीं, अभी फिर जाना यार शाम को। नहीं, नहीं जाओगे तुम? कहीं नहीं जाओगे? अब नहीं जाऊंगा मैं कहीं भी। पक्का? पक्का ही जाऊंगा। छोड़ तो दो। मैं नहीं। पक्का नहीं जाऊंगा? नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो, यही बैठ के बात करते हैं आज। मैं नहीं, दो मिनट और रुको ना। समझा करो। नहीं कोई बात, देखो लोग भी देख रहे हैं यार। देखना दो, बाहर में जाए दुनिया। कोई बात नहीं, आंसू लग रहे हैं तुम्हारे मेरे। मुंह तो दिखा दो। जादू बन के आई हो? गीले हो रहा है तुम्हारा, साफ करो पहले। बैठो। कोई नहीं बैठो। लाया था मैं मुंबई से कुछ तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? बैठो ना। और कैसे हो? ठीक हूँ। काम वाम ठंडा कर दिया तुमने तो? यही सीखा था? खामोश क्यों? मन नहीं लग रहा था। क्या हो गया था? सब ठीक ठाक? कुछ ठीक ही नहीं था तुम जब से गए हो। अब हो जाएगा? अब यही रहोगे ना? सच बताओ या झूठ? सच। हाँ पक्का? हाँ। यही रहूँगा यार, नहीं जा रहा छोड़ के। मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा यार जहाँ वो कहते ना दिल लगी वहीं पे काम अच्छा होता है यार, तो इसलिए मैं वापसी आ गया। तो रहोगे? पक्का यही मिलके काम करेंगे। मिलियन यही करेंगे। मिलियन यही करेंगे? बिल्कुल यही करेंगे। उसके बाद तो नहीं इसलिए जाओगे फिर? नहीं जाऊँगा। और तुम्हारा जो ड्रीम था वो? यार सपनों के लिए अच्छे साथ की जरूरत है ना, तो मेरे पास है ना। बहुत रियलाइज हुआ वहाँ जाने के बाद ना मुझे कि मैं गलत हूँ, मैं यहाँ क्यों आया। I'm sorry. अच्छा एक चीज़ और कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। क्या है? स्पेशल है यार बहुत। तो मेरे लिए तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा सरप्राइज है। क्या? दिखाऊँ? गुस्सा मत करना। ऐसा क्या? मतलब मुझे गुस्सा ही आया हमेशा। मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, डोंट वरी। कभी तुम सोचो। अच्छा ये देखो क्या हो गया आजकल काम नहीं हो पाएगा यार। ये क्या है? ये हुआ है ना जब मैं मुंबई जा रहा था इसी जगह पे बैठे हुए थे। क्यों नहीं हो पाएगा? ये वो है जब तुम एरिक से बात कर रही थी। ये तो तुम्हें भी दिख रहा है, मुझसे पूछ क्या रहे हो? एक दिए एक, आप उनके गर्लफ्रेंड हो ना? क्या चल रहा है? मतलब यार गर्लफ्रेंड नहीं हो लेकिन क्या हुआ? बहुत अच्छी थी ना यार, ऐसे अच्छा लगा। ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। क्या हुआ? क्या था ये? ये हंसो मत, मुझे गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी हंसी पे बहुत बदला। ये बदला था मेरे मन में। तुम्हें क्या लगा तुम्हें जीनियस हो, दो कैमरे लगा सकती हो? हमारे अंदर भी थोड़ा सा दिमाग है। मुझसे बात मत करो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा देखो मैंने कैमरा लगा रखा है फिर से, ये लो तुम्हारे लिए। मेरे को कैमरे में नहीं देखना। देखो देखो, एक मिनट देख लो एक बार मेरे लिए तो देखो यार। बाय बाय। नहीं, तुमने मेरे को रुलाया ना यार, मेरी बैंड बजाई, मेरा रिश्ता पक्का करवाया, मेरा दिल तोड़वाया, तो सोचो मुझे कैसा फील हुआ होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बिल्कुल भी। मैं मुंबई वगैरह कहीं भी नहीं गया था, बस सिर्फ तुम्हारा मुझे काटना था, तो तुम्हारा कट चुका है बहुत अच्छे से। लोगों को मजा आता है मारो। पर देखो मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात, बाल खींच लो। मैं यही हूँ तुम्हारे पास हूँ। मैं मुंबई नहीं गया था, मैं गायब था घर में। यार रोड वीडियोस आ रही है, गायब होता ना इसीलिए तो।
शूट तो हो ही रहा था तो लोगों को ना अच्छा लगता है, तुम रोती हो बहुत, आंसू अच्छे लगते हैं, तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं जब ये आंसू से गीले हो जाते हैं। तो दोस्तों आ चुका है पार्ट 4, आप मुंह देख सकते हो, फुल गुस्से में है। लेकिन एक बात बताओ, तुम रोती तो बहुत ही अच्छा हो। आ जा आ जा, अरे ले ले, ले, ले ले, कोई बात नहीं, होता है होता है होता है, कभी कभी करता था ये क्या, आज तो बनावटी रो रहे हो तुम, कोई बात नहीं, क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है बहुत। I'm so sorry. बट ये करना जरूरी होता है ना यार, I'm so sorry. भगवान पाप देगा, तुम हर बार मुझे रुलाते हो ना। नहीं देगा बाबू भगवान पाप, भगवान ने ऑलरेडी पाप के रूप में तुझे मुझे दे रखा है ना यार। कौन कितने पाप दिलवाओगी। अब बताओ प्रैंक करोगी मेरे ऊपर, नहीं करोगी ना, बाल छोड़ो। नहीं करोगी ना, मैं करूंगी प्रैंक। क्यों करोगी मेरे ऊपर, मुंबई गए हो ना, मैं इंडिया छोड़ के जाऊँ। अच्छा हाय तो कर दो यार। दिखा दो अपना मुंह, क्या हो गया, ऐसे लेते हैं बदला। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब। शेयर मत करना। नहीं नहीं बहुत करना, बड़े अलग तरीके से कटा है इस बार, तो ये तो शेयर करनी बनती है। अच्छा सॉरी। बस एक बात बताओ, रोती तो बहुत ही अच्छा हो तुम। सारी क्लिप्स है बीच में। मैं एक बात बताऊं, क्या तुम्हें पता है, तुम अपने इस प्रैंक के चक्कर में एक सच्चा दोस्त खो दोगे। क्यों? जो तुमसे बहुत दूर चला जाएगा, फिर बनाते रहना प्रैंक ऑन पार्ट 1, 2, 3, 4। एक बात बताऊं, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं कि तुम मुझसे दूर जाओगी या मैं तुमसे, क्योंकि अपना रिश्ता ही कुछ इतना गहरा है, तो ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है, तुम्हें पता है ना कि पहले कितना कुछ फेस किया मैंने, और तो मतलब तुम हर बार रुलाते रहते हो, मतलब मैं टूट जाती हूँ यार, मत क्या करो यार, प्लीज़ आज के बाद कोई प्रैंक ऑन रेड सेवन नहीं होगा, कोई प्रैंक ऑन यश चौधरी नहीं होगा। पक्का? पक्का। चल फिर ठीक है, डन, प्रॉमिस। बट मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती अब। नहीं यार, मैं देख सच बता रहा हूँ, ये एक डिमांड थी, लोग मुझे बहुत मैसेज कर रहे थे इसलिए मैंने किया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अब नहीं करूँगा बस। सॉरी यार, अब नहीं क्या करूँगा मैं इसको, परेशान नहीं क्या करूँगा, तुम भी मत करना मुझको, है ना, ठीक है, बाय यार, बहुत मजा आया। आज के बाद प्रैंक ऑन रेड सेवन, प्रैंक ऑन यश चौधरी नहीं आएगा, सॉरी हाँ। नहीं खोऊंगा मैं तुमको, और जाने भी नहीं दूंगा कहीं, और छोड़ के भी नहीं जाऊंगा कहीं, ठीक है। सो दोस्तों एंजॉय करो वीडियो को यार, फैला देना अच्छी लगे तो, लेकिन अब नहीं रुलाऊंगा मैं इसको, आपसे भी प्रॉमिस है और इससे भी प्रॉमिस है। बाय बाय।